उज्जैन को पुराणों में मंगल की जननी कहा गया है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में है मंगलनाथ मंदिर। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल भारी रहता है वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि यह मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है, जिसके कारण इसे देश का नाभिस्थल माना जाता है। चलिए जानते हैं मंगल ग्रह का जन्म कैसे हुआ। स्कंद पुराण में अवंतिका खंड की कथा के अनुसार अंधकासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य का जन्म होता रहेगा। इन दैत्यों के अत्याचार से परेशान जनता ने भगवान शिव की आराधना की। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने दैत्य अंधकासुर के साथ भीषण युद्ध किया। दैत्य से लड़ते लड़ते शिवजी के पसीने की बूंदे धरती पर गिरी, जिससे धरती दो भागों में फट गई और मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। शिवजी के वारों से घायल दैत्य का सारा लहू इस नए ग्रह में मिल गया, जिससे मंगल ग्रह की भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश कर शिवजी ने इस नए ग्रह को पृथ्वी से अलग कर ब्रह्मांड में पहुंचा दिया। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। यहाँ होने वाली भात पूजा का भी विशिष्ट महत्व है। मंगल ग्रह गर्म होने के कारण दही और भात से इसकी पूजा की जाती है। They are a winner।